हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन सारी आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट स्टोरी 99 में। आपने पिरामिड देखा ही होगा और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें जानते भी होंगे, पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। ना तो उन्होंने कभी ऐसी बातें सुनी ना ही पढ़ी होंगी। पिरामिड में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसे देख कर आप हैरान हो जाएंगे, ऐसी बातें जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए आज हम पिरामिड के कुछ रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक मजा लीजिए। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड मौजूद हैं, पर इन सब में से गीजा का द ग्रेट पिरामिड पूरे विश्व में 7 अजूबों में से एक है। बाकी के 6 अजूबे वो थोड़ा बहुत टूटने लगे हैं, जिससे उन्हें कई बार रेनोवेट भी करना पड़ा है। पर क्या आप जानते हैं, ग्रेट पिरामिड का सिर्फ ऊपर का 10 मीटर का हिस्सा ही गिरा है। इस पिरामिड के पास ही 2 और पिरामिड हैं जो इनसे छोटे हैं। गीजा का द ग्रेट पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और 4300 सालों तक ये दुनिया का सबसे ऊंची इमारत थी। इस इमारत को बनाने के लिए लगभग 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया था। इसमें 23 लाख चूना पत्थर की ज़रूरत भी पड़ी थी। इन पत्थर के टुकड़ों में से हर एक का वजन 2 से लेकर 30 टन तक का था। ये पिरामिड 13 एकड़ की जगह में फैला हुआ है। द ग्रेट पिरामिड को मिस्र के राजा खुफू के 4th वंशज ने उनकी कब्र के तौर पर बनाया था। ग्रेट पिरामिड को सिर्फ 23 साल में बनाया गया था। इस बात को लेकर वैज्ञानिकों के मन में कई तरह के सवाल हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 23 साल में बना था। इसके हिसाब से लाखों मजदूरों को साल के 365 दिन में हर दिन 10 घंटे काम करना पड़ेगा और एक घंटे में 30 टुकड़ों को रखना पड़ेगा। लेकिन क्या एक घंटे में 2 से लेकर 30 टन तक के 30 टुकड़ों को रखना संभव होगा? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पिरामिड के बनाने वाले पत्थरों के आपस में इस तरह फिट किया गया है कि उनमें से किसी दो के बीच एक ब्लेड घुसाना भी मुश्किल है। सबसे खास बात तो यह है कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 सेल्सियस के बराबर ही रहता है, चाहे बाहर का तापमान कितना भी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड के अंदर कुछ अद्भुत किस्म की तरंगे काम करती रहती हैं, जो जीव और निर्जीव दोनों तरह के चीज़ों पर असर करती हैं। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर भी कहते हैं। और तो और, पिरामिड के अंदर बैठने से सिर दर्द, दांत के दर्द से छुटकारा मिल जाता है और घाव, छाले, जलन, बहुत सी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं। ग्रेट पिरामिड के केंद्र में राजा खुफू को छोड़कर क्या है, ये किसी को नहीं पता चला। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि 4500 साल पहले बने इस पिरामिड के अंदर 2 से ज़्यादा कमरे हैं जो कि किसी वजह से बंद किए हुए हैं। वहाँ ना कोई जा सकता है, ना उन्हें खोलने की किसी को परमिशन है। बाहर के तरफ 2 कमरे हैं, उनमें फर्नीचर लगे हुए हैं जो कि राजा खुफू के शरीर को रखने के बाद लगाए गए हैं। एक प्रयोग के दौरान कुत्तों को चकोर, गोल और पिरामिड के आकार के घरों में रखा गया। प्रयोग के बाद ये पाया गया कि पिरामिड में रहने वाले कुत्ते ज़्यादा डिसिप्लिन और समझदार होते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। एक ऐसा भी रहस्य है जो कि ना कोई इंसान और ना ही कोई वैज्ञानिक समझ पाए हैं। ओरियन बेल्ट, या फिर जिसे 3 स्टार्स भी कहा जाता है, मिंटाका, एलनीलेम और एलनीटेक, ये स्टार आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाले तारे हैं। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जस्ट पिरामिड के ऊपर हैं, मतलब जिस दिशा में ये तारे हैं उसी के सतह के नीचे ये पिरामिड स्थित हैं। बहुत से रिसर्चर आज भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि 4500 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट या बिना किसी कंपास के ये जस्ट ओरियन बेल्ट के नीचे बनाना कैसे संभव हुआ। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस समय राजा खुफू के वंशजों के पास कुछ ऐसी दैविक शक्तियाँ थीं जिनकी मदद से उन्होंने वो पिरामिड बनाया। आज के समय में ऐसा पिरामिड बनाना एक कल्पना जैसा ही है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज़ नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ अगली नई वीडियो के साथ।